हेलो, वेलकम टू स्मोकी रसोई। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, ईट ब्रेकफास्ट लाइक किंग, लंच लाइक प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बेगर। मैं कहता हूँ ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, बस खाते रहो मजे से और एंजॉय करो। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाया हूँ जो जल्दी से बन जाने वाली है और हेल्दी भी है। तो आज की रेसिपी है पालक पराठा। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंट्रो के साथ, और इंट्रो देखते देखते सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कढ़ाई ले लें, उसे हाई फ्लेम पे रखें और उसमें डालें 2 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद आपको लेनी है पालक, उसको साफ कर लेना, अच्छे से धो लेना और उसको फिर उस पानी में उबाल लेना। पालक को हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। और जब आपको लगता है कि बॉईल हो गया है तो गैस को करें बंद और पालक को थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब आपकी पालक ठंडी हो जाए उसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लें। अब आपको उसमें डालना है कटी हुई अदरक, एक बड़ा चम्मच डाल दें। उसके बाद 9 से 10 लहसुन के टुकड़े, और उसको आप अच्छे से पीस लें। एक ग्राइंड करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, 1/4 ग्लास जितना, और उसको अच्छे से पीस लें। हमें जो पेस्ट है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से पानी डाल के उसे अच्छे से फिर से ग्राइंड कर लें। तो लीजिए, आपका पालक पेस्ट बनके रेडी है। पालक पेस्ट रेडी होने के बाद एक बड़ा बाउल लें और पेस्ट को उसमें ट्रांसफर कर लें। और उसके बाद उसमें आपको डालना है 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा, और उसके बाद 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और उसे फिर अच्छे से मिक्स कर लें। और उसके बाद आपको डालना है गेहूं का आटा, जितने आपको पराठे बनाने हैं उसके हिसाब से आप डाल लें। मैंने यहाँ पे 1 बड़ी कटोरी जितना आटा डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 बड़ी कटोरी से अराउंड 4 पराठे बन जाएंगे। और उसके बाद इन सबको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इन्हें गूंथ लें, जैसे हम नॉर्मल चपाती का आटा गूंथते हैं वैसे आप इसे अच्छे से गूंथ लें। आटा गूंथ जाने के बाद एक रोलिंग बोर्ड लें, उस पर आप आटा छिड़क दें, जिससे जब आप पराठे को बेलेंगे तब वो उस पर चिपकेगा नहीं। और उसके बाद एक आटे की लोई लें, उसको अच्छे से प्रेस कर लें, थोड़ा सा फैला दें, और उसके बाद बेलन से उसको अच्छे से बेल डालें। पराठा एकदम गोल, या आपको जो शेप देना है, ट्रायंगुलर शेप के भी पराठे बनते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जिस शेप में आपको अच्छा लगे वैसा बेल दें। और इसी तरह से सारे के सारे पराठे बेल के रेडी कर लें। जब आपके सारे पराठे पकाने के लिए रेडी हो जाएं, तवे को गर्म करें, मीडियम आंच पे रखें और पराठे को सेकें। हमें इसे अभी फिलहाल ड्राई रोस्ट करना है, ड्राई सेकना है, हमें तेल घी या बटर कुछ भी नहीं लगाना। पहले इसको हल्का फुल्का दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। और जब दोनों तरफ से सिक जाए उसके बाद उस पर आप लगाएं तेल घी या बटर,
जो भी आपको खाने में पसंद आए वो लगाएं। घी और बटर से अलग से स्वाद आएगा, आप वो दोनों तरफ लगा दें। तेल लगाने के बाद पराठे को अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लें। ध्यान रखें इसे ज्यादा कड़क नहीं बनाना, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है हमें। जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं ये प्रोसेस सिंपल वैसा ही है, वैसा कर लें। और इसी तरह से जब आपका पराठा सिक जाए, सारे पराठे सेक लें, प्लेट में रखें, ऊपर आपको चाहिए तो और बटर डाल दें परोसने के टाइम पे, और खाने के लिए आपका पालक पराठा रेडी है। सामने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो आज की रेसिपी यही थी, पालक पराठा। खाइए, एंजॉय करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।